भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। भले ही लाख कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो करते वही हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई है खेसारी लाल यादव के लाइफ में कि जिसके सामने जाते ही खेसारी लाल यादव शून्य हो जाते हैं? जी हाँ, शून्य नहीं समझे, जिसके सामने जाते ही खेसारी लाल यादव की बोलती बंद हो जाती है, हेकड़ी खत्म हो जाती है और उसके सुर में सुर मिलाने के अलावा खेसारी लाल यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये और कोई नहीं, खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा है। लेकिन हम आपको कहेंगे, ये खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा भी नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, फिर भला ऐसा कौन सा 30 मार खां खेसारी लाल यादव के सामने पैदा हो गया कि जिसके सामने खेसारी लाल यादव की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है? तो जानिए वो कौन है। वो कोई और नहीं जनाब, खेसारी लाल यादव की बेटी कृति है, जिसके सामने जाते ही खेसारी लाल यादव की बोलती बंद हो जाती है। ये किसी और ने नहीं, खुद खेसारी लाल यादव ने कृति के बर्थडे के मौके पर कहा है कि खेसारी लाल यादव की बोलती बंद उनकी बेटी ही करा सकती है। कृति के सामने खेसारी की कुछ नहीं चलती, उनकी सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि खेसारी लाल यादव को कंट्रोल करने के लिए कोई तो है जो उनके अच्छे कामों पे उन्हें अप्रिशिएट करता है और बुरे कामों पर डांट फटकार लगाता है। वैसे लाइफ में ऐसा कोई ना कोई हमारे और आपके बीच होना ही चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।